व्हाट्सअप गाइस एंड गर्ल्स, मैं नाइटमेयर जनता सर। तो दोस्तों, फाइनली मैंने अपना माइक ले लिया। दोस्तों, ये सिर्फ 620 रुपीज़ का है और अब मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि अब मैं कंटिन्यूसली वीडियो बना सकता हूँ, और जो कि मैं पहले नहीं कर पा रहा था। देखिए दोस्तों, हो ये रहा था कि पहले एडिट करने में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा था। आप पहले उसको पहले दूसरा माइक्रोफोन से समझ लीजिए, मैं मोबाइल से पहले ऑडियो को रिकॉर्ड करता था और इसलिए एडिट करने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता था। रेंडर 2-4 बार करना पड़ता था। इसलिए अब मैं फाइनल माइक ले लिया, मैं कंटिन्यूसली वीडियो बनाऊंगा। तो दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे फिर से डिजिटल एनवायरनमेंट बनाने का। ओके स्क्रीन रिकॉर्डिंग के कारण थोड़ा सा मेरा स्क्रीन था, मतलब प्रोसेस थोड़ा स्लो हो गया, लेकिन बस यहाँ तक ही मेरे को चाहिए था। ओके राइट क्लिक मार के ट्रिम कॉम्प एंड वर्क एरिया कर देंगे, ठीक है। तो अब जैसी बात है कि मैं एक डिजिटल एनवायरनमेंट बना के दिखाऊंगा। सो साथ ही मैं दोस्तों डिजिटल एनवायरनमेंट में आप लोगों को ये भी बताना चाहता हूँ कि डिजिटल एनवायरनमेंट लोग क्यों नहीं बना पाते, क्या उन लोग को प्रॉब्लम होता है। तो देखिए दोस्तों, डिजिटल एनवायरनमेंट पहले तो मेरा यही मानना है, दिमाग में बनाओ उसके बाद एडिट पे आओ। ऐसा नहीं कि डायरेक्ट एडिट पे आ रहे हो। हाँ, मेरे जैसे आदमी जो खुद से सीखा है उसको तो शुरू में यही करना पड़ा था। सिंपली हम लोग पहले ग्रीन को की आउट कर लेते हैं, की लाइट स्क्रीन मैट में देख लेंगे थोड़ा बहुत है। और अभी मैं फिल्टर ऑन रखा कंप्यूटर का, मैं पहले फिल्टर को बंद कर देता हूँ, यानी कि फ्लक्स को, कि मैं डिजिटल कलर ग्रेडिंग अच्छा से कर दूँ। देखिए, हम लोग का एजेस से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बहुत सारे लोग सोचते हैं हम लोग का कैमरा ख़राब है, एजेस ये है, थोड़ा बहुत देखेंगे तो नॉइस भी है, तो ऐसा कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वैसे तो ये तो यूट्यूब से लिया गया वीडियो है, लेकिन अगर आप लोग अच्छा कैमरा से करेंगे तो इसे नहीं उठने वाला। फिर भी हर कोई उतना नहीं रहता है, जैसे मैंने भी गोस्ट ऑफ प्रिपेयर बनाया था तो काफ़ी सारा नॉइस उठा था। तो मैं आप लोग रैंडमली कोई भी फोटो उठा के बताऊंगा कि उसको डिजिटल एनवायरनमेंट में कैसे बनाना है। मैट पेंटिंग का एक अलग ही तरीका होता है, उसमें तो पूरा आप लोग का कंट्रोल में रहता है, जो कि मैंने एसेट्स के साथ दिखाया था। लेकिन अभी हम लोग कोई भी रैंडम फोटो उठा के देखते, तो दोस्तों आप लोगों का दिमाग से खेलना है, ठीक है। एक फोटो लेते हैं। ओके मतलब आप लोग ये समझ के देखिए कि अगर आप लोग के पास कुछ ही नहीं है, अगर आप लोग के पास मैट एसेट्स नहीं है, और अगर आप लोग को बनाना है, अगर आप लोग नेट से कोई भी या कहीं से भी फोटो इस तरह का खींच के ले आए और उसमें आपको इसको बैठाना है क्विकली, क्योंकि आप लोग को क्विकली काम करना है, तो कैसा करना है? इसमें बहुत सारा लाइट है, और जाहिर सी बात है ये कोई ऐसा फोटो नहीं है जो कि 6500 केल्विन के टेम्परेचर में उसको फोटो खींचा गया। एक आउटडोर, इसमें सनलाइट, और सनलाइट के साथ डिजिटल कलर ग्रेडिंग बहुत मुश्किल होता है, इसलिए ज़्यादातर लोग इंडोर ही शूट करता है। और जो हम लोग मैट पेंटिंग इस्तेमाल करते हैं उसका तो ब्लैक एंड व्हाइट कलर में रहे, उस तरह का एल्गोरिथम में रहता है कि एडिट करने में, डिजिटल कलर ग्रेडिंग करने में बहुत आसान रहता है। इसको कैसा करना है वो मैं आप लोग को दिखा देता हूँ। तो वैसे तो ये इमेज काफ़ी बड़ा साइज का है, तो मैं ये 180p में आ गया है, फिर भी मैं इसको प्री कॉम्प कर देता हूँ, काफ़ी बड़ा है इसका। वैसे रिजोल्यूशन है 1920 है, तो जब नहीं, अगर 1920 से ऊपर रहता ना तब मेरे को करना पड़ता। तो देखिए, ये तो अभी जाहिर सी बात है कोई भी नकली पकड़ लेगा, लेकिन कुछ कुछ तरीका होता है जिससे नकली ना पकड़ा जाए। सिंपली बताऊंगा, ज़्यादा की फ्रेम का भी जरूरत नहीं है, की फ्रेम कलर ग्रेडिंग भी होता है, लेकिन अभी हम लोग उस पर नहीं जाएंगे, ठीक है। तो हम लोग के पास लड़की है। सबसे पहला चीज़ ये है कि हम लोग बैकग्राउंड को ब्लर करना है, नहीं तो जैसे बात है कि आप लोग को पकड़ा जाएगा कि यहाँ पर दो गो मैट, ठीक है। तो जनरली हम लोग कोई भी ब्लर का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन हम लोग कैमरा लेंस ब्लर का इस्तेमाल करेंगे ताकि वो ओरिजिनल लगेगा, ठीक है। अब आप लोग देख लेंगे कि एज में थोड़ा थोड़ा लाइनिंग आ गया है, इसलिए मैं रिपीट एज पिक्सल कर देंगे, एज ठीक हो गया, ठीक है। ये लीजिए, यहाँ तक तो अब कोई पकड़ ही नहीं पाएगा, ये ऑलरेडी बहुत अच्छा है। देखेंगे लड़की का चेहरा और वो दोनों साथ में मिल गए। और इन देखिए, अगर आप लोग कलर ग्रेडिंग करना पड़ा था कि थोड़ा और अच्छा लगे तो क्या करना है, ठीक है। इसको हम लोग यहीं रहने देते हैं, कोई टिंट विंट कुछ करने के लिए, सिंपली हम लोग लेते हैं एडजस्टमेंट लेयर। कलर ग्रेडिंग हमेशा एडजस्टमेंट लेयर में करिए, ताकि आप लोग यहाँ पर थोड़ा समझ लीजिए ब्लैक एंड व्हाइट जिस तरह से ब्लेंड होता है उसमें हम लोग देख सकते हैं कि हम लोग का कलर ग्रेडिंग सही है कि नहीं, या फिर हम लोग थोड़ा चेंज भी कर सकते हैं, ठीक है। वैसे तो बहुत सारा तरीका, सबसे सिंपल मैं आप लोग का तरीका बता देता हूँ। रेड जायंट का प्रोडक्ट आप लोग इसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं, चाहे तो आप लोग देखिए झूठों का लाइटर आप इफेक्ट उतना पड़ने की जरूरत नहीं, उस लोग का कोई जरूरत नहीं होता है, अदर केस में जरूरत होता है। रेड जायंट का आप लोग इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, चाहे तो लेवल से भी कर सकते हैं, लेकिन मैं जल्दी के लिए, क्योंकि मेरा माइक नया है तो थोड़ा एक्साइटेड हूँ जल्दी अपलोड करने के लिए, मोजो का इस्तेमाल करते हैं। और सबसे सिंपली हम लोग वार्म कर देते हैं, डे के लिए सबसे बेस्ट है 300 और 300 राइस ऑफ द एम्पर वार्म इन्वायरमेंट में इतना है, ठीक है।
बस हो गया, कुछ करना ही नहीं पड़ा। अब लोग बोलेंगे चेहरा थोड़ा खराब हो गया, तो देखिए भाई आप एक एडिटर है, आपको पता है कि ये एक्चुअली में ऐसा था, लेकिन जब कोई इसको पहली बार आँख से देखेगा तो उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, चेहरा थोड़ा सा वार्म हो गया, बैकग्राउंड भी वार्म हो ही चुका है, ठीक है। चाहे तो थोड़ा और कर सकते हैं, वो अभी भी काफ़ी क्यूट लग रही है, अभी भी सब कुछ बढ़िया लग रहा है, जबकि मैंने इतना वार्म कर दिया, ये थोड़ा कम कर देता हूँ। अच्छा है तो ब्लेंड करके देख सकते हैं, कुछ कुछ मामले में काम कर जाता है, मेरे को नहीं लगता अभी करने वाला, ये अभी ऑलरेडी अच्छा है। इसके लिए थोड़ा अलग टाइप का कलर ग्रेडिंग होता है, मैं बोला ना कलर ग्रेडिंग कोई ऐसा पढ़ाई नहीं कि आप उसको एक ही बार में समझ जाएंगे, अभी यही रखते हैं। अब देखिए होता यह है कि हम लोग आज जब भी कोई वीडियो को देखता है तो एजेस से पकड़ लेता है कि जैसे होता है कि फेक है, लेकिन अगर हमने वीडियो को चेक करा है तो हम लोग आँख को उसको देखने का मौका नहीं मिलेगा कि वो नकली है, ठीक है। इंटरसिटी को ये कर सकते हैं जैसे जितना आप लोग का मन करे, तो सिंपली इसके लिए काफ़ी स्क्रिप्ट है, मैंने काफ़ी सारा इसको फ्री में दिया है, ठीक है। तो मेरा जावा स्क्रिप्ट करता है उसका है, विगल एक्सप्रेशन डाल देते हैं, कैमरा शेक का आप लोग ये वाला सीधा राइट कर सकते हैं, या आप लोग चाहते हैं एसेट डाउनलोड कर सकते हैं, मैं डिस्क्रिप्शन में डाल भी दूंगा अगर याद रहा तो, लेकिन सिंपली आप लोग लिख लीजिए कहीं पर, सबसे बेस्ट रहेगा। ये सब का जरूरत नहीं है, मेरे को आज तक जो जरूरत पड़ा है इसी का जरूरत, ठीक है ना। फ्रैक्चुअल नॉइस का है, अगर आप लोग जैसे बात वहाँ नहीं हम लोग बात करते, ठीक है। यहाँ तक तो काम हो ही गया है, रैम पर भी देख सकते हैं, लेकिन अभी नहीं देखेंगे सब लोग। हम लोग क्या करेंगे, एक प्रीकॉम्प यानी कि समझ लीजिए पहले से हम लोग एक इसको रेंडर करने का, दोबारा इसमें आफ्टर इफेक्ट में घुसा तो उससे हम लोग एक तरह का वर्चुअल रेंडर पहले करती है, मूव ऑल द एट्रीब्यूट, ठीक है। सिंपली हम लोग को करना है कि हम लोग पी दबाएंगे यानी कि पोजिशन, या अगर आप लोग यहाँ से नहीं जा रहे तो यहाँ से भी जा सकते हैं, ट्रांसफॉर्म से पोजिशन में जा सकते हैं, ऑल्ट को प्रेस करके रहिए और लेफ्ट क्लिक दबा दीजिए। अब यहाँ पर आप लोग का एक्सप्रेशन मांग रहे हैं, सिंपली जो मैंने कॉपी किया था इसको पेस्ट कर दीजिए। 130 बहुत ज़्यादा, मैं थोड़ा कम कर देता हूँ, 112 कर देता हूँ। अब देखिए छोड़ते क्या हुआ, अगर आप लोग देखेंगे यहाँ पर साइड में आप देख रहे एज थोड़ा सा ये शेक हो रहा है, यानी कि एक तरह का कैमरा शेक हो रहा है, ये अपने आप में एक तरह का शेक हो रहा है, आप लोग का की फ्रेम का शेक का जरूरत नहीं है, मगर चूंकि ये थोड़ा सा शेक हो रहा है तो हम लोग हमेशा लाइन से देखिए बाहर निकलेगा, देख रहे हैं बाहर निकल गया। इसके लिए क्या करना है, सिंपली थोड़ा सा हम लोग को एस दबाएंगे स्केल, या फिर आप लोग डायरेक्टली यहाँ से भी कर सकते हैं, या तो आप लोग एस दबा दीजिए सीधा, या वहाँ से भी जा सकते हैं, थोड़ा सा इसको स्केल कर देते ताकि इसको शेक होने का जगह मिल जाए और इसके बीच में ले आते हैं। अब क्या होगा, ये जो एक्ट्रेस है ये जब वीडियो रन होगा तो ऑटोमेटिक कैमरा शेक की तरह होगा, कि ऐसा लगेगा कोई आदमी पकड़ा हुआ है और लोग आँख जैसे होते दोनों में फ़र्क नहीं देख पाएगा, ठीक है। ये चीज़ है, अब मैं इसको आप लोग को थोड़ा सा रैम प्रीव्यू करके दिखाऊंगा, क्योंकि जैसे होता है मेरे अभी स्क्रीन रिकॉर्डिंग भी ऑन हो रहा है, मैं इसको भी रेंडर तो फट से कर नहीं सकता, ठीक है ना। कैमरा चेक कर रहे हैं, चलिए थोड़ा मैं फुल में मैं इसको हाफ थोड़ा कर देता हूँ, 720p के आसपास ही थोड़ा ये है, इसे तो थोड़ा वीडियो ब्लर हो गया, लेकिन आप लोग को समझाने के लिए मेन बात क्या है ना, पीछे का जो बैकग्राउंड है वो 1920 में, जाहिर सी बात है कि अगर आप लोग फोटो का इस्तेमाल कर रहे हो तो आप पहले उसको फोटो आउट कीजिए, ताकि आप लोग का रेंडर टाइम थोड़ा बच जाएगा, यानी कि अभी मैं इसको फोटो आउट करता फिर इसमें घुसाता तो इतना ज़्यादा देर नहीं लगता, लेकिन अगर आप लोग पीछे बैकग्राउंड में वीडियो का इस्तेमाल कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि आप लोग को हर एक फ्रेम को रेंडर करना पड़ेगा। मैं पहले यही करता हूँ, मैट पेंटिंग बनाता हूँ, उसके बाद ब्लर कर देता लेंस ब्लर, फिर उसको आउट करता हूँ जेपीजी में, फिर उसको दोबारा आफ्टर इफेक्ट में घुसा देता हूँ, फिर जाहिर सी बात है मैं उसको रेंडर करता हूँ ताकि मेरे रेंडर टाइम बच जाए। और अगर आप लोग वीडियो में नॉइस है तो आप लोग बैकग्राउंड में नॉइस डाल दीजिएगा, लेकिन अभी इसमें ज़रूरत नहीं पड़ा है। देखिए कैसे वीडियो शेक हो रहा है, अगर आप लोग देखेंगे कोई पकड़ ही नहीं पाएगा कि ये ऑलरेडी वो ब्लर है, कैमरा ब्लर लोकल लेगा कि कैमरा के कारण ब्लर हो रहा है जैसे हम लोग आगे देखते हैं। और कोई सवाल होगा जरूर बताइए कमेंट सेक्शन में, आप लोग प्लेलिस्ट जरूर चेक कर लीजिएगा, डिजिटल एनवायरनमेंट का काफ़ी सारा मैंने वीडियो बनाया है, सिर्फ बेसिक भी बनाया है। अगला वीडियो में तो दोस्तों, तब तक के लिए बाय बाय, सपोर्ट फॉर मोर वीडियो आपका मन के ऊपर है।